दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस पॉट के अंदर जिन्नी है वो लगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉट ले लें। पॉट के अंदर अच्छे से आपके हॉल होना जरूरी है। सोइल आपको कौन सा यूज करना है उसका वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैं जो सोइल यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने जो गार्डन सोइल है वो और थोड़ी सी जो हमारी गोबरी खाद है वो ये ऐड कर रखी है। सोइल ऐड करने के बाद इसमें हम वाटरिंग पहले ही कर देंगे ताकि बाद में जो मिट्टी है वो ना कटे। और दोस्तों, जो सोइल है उसने पानी को सोख लिया है। अब इसके अंदर जो सीड्स है वो हम लगा देंगे। ये देखिए, इसके सीड्स पर जो दवाई है उसकी कोटिंग की हुई है, यानी कि इनको उपचारित किया हुआ है, तो इसके जो सीड्स है वो हम लगा देते हैं। हम थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाएंगे ताकि इनको बाद में निकालते टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो। 8 सीड लगाने यहाँ पे काफ़ी होंगे ताकि इनके प्लांट को बाद में इजीली निकाल सकें। आई थिंक हमें एक एक सीड्स यहाँ पे भी डाल देना चाहिए। दोस्तों, सीड्स हमने लगा दिए हैं। चलिए अब इसके ऊपर जो मिट्टी है वो कवर कर देते हैं मिट्टी से, इसको सीड्स को। सीड्स हमने लगा दिए हैं, अब इसके ऊपर जो वाटरिंग है थोड़ी सी और कर देंगे। ओके दोस्तों, जो सीड्स है वो हमने लगा दिए हैं। अब मैं इसको धूप के अंदर रख दूंगा। दोस्तों देखिए, जो जुकनी हमने लगाई थी वो ग्रो हो गई है। फिलहाल आज हम क्या करेंगे, इसमें से जो एक प्लांट मैं निकाल के एक पॉट में ग्रो करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी इसकी हम कैसे बनाए इसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो मिट्टी फिल कर लेंगे पहले इसमें। और दोस्तों, पॉट के अंदर मिट्टी हमने डाल ली है, अब इसके अंदर हमें प्लांट लगाना होगा। इनमें से एक प्लांट मैं निकाल लेता हूं। जैसे कि मैं हर बार निकालता हूं सेम वैसे ही मैं इस प्लांट को निकाल लूंगा। तो आई थिंक ये प्लांट मैं निकाल लेता हूं जो बिल्कुल साइड में है। सिंपली इसको हम इस तरह से कट करेंगे, एक इस साइड से कट लगाएंगे, प्लांट है वो हमारा इजिली बाहर आ जाएगा। इसकी रूट बॉल डैमेज किए बगैर हमें रखना होगा, क्योंकि जो बेल होती है इसको डायरेक्ट लगाया जाता है जहां पे हमें ग्रो करना होता है वहीं पे, तो इसलिए इसको हम डैमेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और अब इसके चारों तरफ और मिट्टी हम ऐड कर देंगे। ये एक वीड्स है यहाँ पे, वीड्स प्लांट, तो इसको हम निकाल देंगे। और दोस्तों, अब इसमें वाटरिंग कर देंगे। पानी में इसके सोइल में डालूंगा। जब भी आप सीडलिंग इस तरह की ट्रांसप्लांट करें तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जो सीडलिंग है वो आप इवनिंग टाइम पे ट्रांसप्लांट करें, और अगर आप पॉट में ग्रो करते हैं तो उसको हो सके तो शेड के अंदर, शेडी एरिया में रखें एक दो दिन के लिए। जब प्लांट जो है वो स्टेबल हो जाए उसके बाद आपको उसको सनलाइट में ले जाए। काफी लोग कहते हैं कि हमारे पास जमीन की प्रॉब्लम है, यानी कि स्पेस नहीं है, तो हम पॉट में क्या ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा साथ के साथ हम इसको ट्राई करते रहते हैं, यानी कि मैं जमीन में तो लगाऊंगा ही, साथ में हम पॉट में भी ग्रो करते रहेंगे। एक एक प्लांट सब्जी का हम पॉट में भी ट्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।